हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत सारी डेफिनेशंस कवर अप करी थी, जैसे कि आज फिर से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पर्सनैलिटी को। द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। तो जो पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो किससे, लेटिन वर्ड से लिया गया है। क्या वर्ड है? पर्सोनेयर, पर्सोनेयर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? स्पीक थ्रू। तो पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी मीन्स हाउ पीपल अफेक्ट अदर, हम दूसरों को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो वो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि भी किस तरीके से हम दूसरों को अफेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है? वो क्या है? हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ठीक है, चाहे हम यहाँ पे इंटरनल इनर स्टेट्स इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, चाहे हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें, दोनों ही केसेस में हम क्या हैं? दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या है? हमारा आउटकम, हमारा बिहेवियर, जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनैलिटी मीन्स हाउ पीपल अफेक्ट अदर एंड हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्फ एज वेल एज देयर पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मिजरेबल ट्रेट। जो भी अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो इनर और आउटर मिजरेबल ट्रेट्स हैं, जो भी हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ठीक है, जो भी हम क्या है पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज यूज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर थ्रू एक्सटर्नल अपेयरेंस। भाई आपने देखा होगा कोई एक इंडिविजुअल जो दिखने में बहुत स्मार्ट है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इट मीन्स सम टोटल ऑफ वे इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट और इंटरेक्ट विद अदर्स। ओके, तो हम टोटल उन सब तरीकों की बात कर रहे हैं, उन वेज की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल दूसरों के साथ रिएक्ट करता है और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि मैं किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करूं, मेरा उसके साथ जो भी इंटरेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम जो भी इंटरेक्शन हुआ, जिस भी तरीके से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके साथ किस तरीके से मैं रिएक्ट कर रहा हूं, तो वो सारी चीज़ें किसका? मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है और मेरे इनर स्टेट ऑफ माइंड और मेरे जो अंदर जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी मेरे अंदर वर्च्यूज़ हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट हमारी पर्सनैलिटी का क्या है? पार्ट है, जिसको हम अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि भाई एक मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट के साथ किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके से वो उनको ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से उनके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम एज अ पर्सनैलिटी काउंट कर सकते हैं और एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी इज एन इंटरनलाइज्ड सिस्टम विच इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट ऑफ पर्सन दैट इनहेरिटेड इज एज वेल एज दोज दैट आर लर्न। दीज टू इंटरनल एस्पेक्ट इंटरडिपेंडेंट और कैन नॉट बी आइसोलेटेड अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी गई है अकॉर्डिंग टू शिफमैन एंड नॉक, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू शिफमैन एंड नॉक, पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज दोज इनर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट बोथ डिटरमाइन, ठीक है, दैट बोथ डिटरमाइन हाउ एंड रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू हिज और एनवायरमेंट। एक कोई भी पर्सन अपने एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो हमारी क्या है? साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पर्सनैलिटी बोल रहे हैं। जैसे कि सपोज़ आपके लिए क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके लिए टास्क असाइन किया गया, तो वो आपका आपके लिए क्या है? एक एनवायरनमेंट है। अब आप उस टास्क के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो,
ठीक है। तो उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो बहुत इजीली, जिनको अच्छा लगता है नए नए टास्क एक्सेप्ट करना, चैलेंजिंग जॉब, तो वहाँ पे वो उनको बहुत हैप्पीली उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें क्या है, उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। यानी कि वो क्या है, जो भी उन्होंने आउटकम दिया, जो भी उन्होंने बिहेवियर, जो भी रिफ्लेक्शन दिया, तो वो सारी चीज़ें क्या है, उनकी वो उनकी पर्सनैलिटी है। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उनको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस डेफिनेशन में यही बताया गया है स्टूडेंट, पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज दोज इनर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट बोथ डिटरमाइन एंड रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू हिज हर एनवायरमेंट। कोई भी पर्सन अपने एनवायरमेंट के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो वो हमारी पर्सनैलिटी है। जैसे सपोज मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे सामने आई कि वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट कर दिया, अब मुझे किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या और मेरे अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके हिसाब से मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करूँगा। तो यानी कि वो मेरी क्या है, पर्सनैलिटी हुई, ठीक है। जैसे कि सपोज वर्कर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है, या फिर कोई अदर एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि भाई कोई भी एक सिचुएशन जिसमें क्या है, आपको उस सिचुएशन को कवर अप करना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो इनर करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका जो साइकोलॉजिकल कि भी आप जैसे सब साइकोलॉजिकल जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब वहाँ पे वेरी करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन को कवर अप कर रहे हैं। तो यानी कि वो भी सारी चीज़ें क्या है, हमारी पर्सनैलिटी है। जो भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी हम आउटकम दे रहे हैं, दैट इज़ अवर पर्सनैलिटी, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, पर्सनैलिटी है। अब यहाँ पे सोर्सेज लिखे हुए हैं, ट्रेट लिखी हुई है और बिहेवियर आउटकम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शिफमैन इन्होंने क्या कहा कि भाई जो सोर्सेज हैं पर्सनैलिटी की, वो क्या है, जेनेटिक। एक तो चीज़ें क्या हैं, कभी कुछ ट्रेट हमारे अंदर क्या होती हैं, कुछ जो जैसे सोर्सेज में कुछ जेनेटिक की बात करें, तो कुछ ट्रेट तो हमारे अंदर क्या होती हैं, जेनेटिक आ जाती हैं, ठीक है, ठीके? जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करती हैं। कुछ ट्रेट हमारे अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, ओके। हमारे पेरेंट्स जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें, उन सब का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ ट्रेट, कुछ ऐसी चीज़ें सोर्सेज जो हमें एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। जैसे आप डेली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब कर रहे हो और वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बिहेवियर को क्या कर रही है, द्वारा से शेप अप कर रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, या फिर आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये क्या है, सोर्सेज हैं किसके, पर्सनैलिटी की। तो उसके बाद हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेट में हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर रही हैं। और उसके बाद बिहेवियर आउटकम में, बिहेवियर डिक्टेटेड बाय इंटरनलाइज सिस्टम, और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से रिएक्ट करते हो। जैसे कि जेनेटिक कुछ चीज़ें आपके अंदर, जैसे एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक फैमिली में सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, टॉल हैं, जो कि उनका जेनेटिक कनेक्शन है, ठीक है। अब उसके हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, फिर उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी के भी यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि भाई एक फैमिली, उसमें सारे लोग बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट्स हैं, उसके बाद जो बच्चे भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो ये एक तरीके से इंटेलिजेंसी और वो सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी का। पेरेंटल फैमिली से जो हमें मिला, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जैसे बच्चा है, उसके बाद हमारी ग्रोथ हुई, ग्रोथ में हम आगे आगे बढ़ते गए, ठीक है, फिर हम एडल्ट हुए, यानी कि एडल्ट होने तक हमने बहुत सारी चीज़ों को, जो हमें रिमेंबर है वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और उन्हें अपने बिहेवियर में शामिल कर लिया। उसके बाद लाइफ में हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे डेली नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाते हैं और उसी के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और बिहेवियर आउटकम, बिहेवियर डिक्टेटेड बाय इंटरनलाइज सिस्टम,
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, जैसे कि सोर्सेस के बाद ट्रेट बने और वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में शामिल हुई और जिनको हम अपने क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अब तीसरा जो अगर वहाँ पर जो सीनियर है तो वो क्या करेगा, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा उसे, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो उसको उसकी पर्सनैलिटी वहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, उसकी पर्सनैलिटी की, कि भाई उसने किस तरीके से उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया, जहाँ पे जो भी एक तरीके से बात करें कि जो भी रिजॉल्यूशन था दोनों पार्टी के फेवर में हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने एक के फेवर में बात करी दूसरे के फेवर में बात नहीं करी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमारे इनर स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से फिर क्या है, हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे सोर्सेस, ट्रेट और बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ओके। तो जो भी हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। जैसे आपने देखा होगा हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग में हम वेल ड्रेस्ड हैं, हमारा इंट्रैक्शन, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा सोशल इंट्रैक्शन वहाँ पे क्या है लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि आपकी बात करने का क्या तरीका है, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ठीक है, और आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सनालिटी में। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स, ठीक है, इनर अवेयरनेस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजरेबल ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, पर्सनैलिटी का पार्ट है। ओके, थैंक यू।